थोड़ा सा कर भाई जाने वाले को हमने मना करे लेकिन ले जाने वाले का वास्ते नहीं आप साहब आजकल एक माहौल चल पड़ा है कि जैसा पुराने देखिए जो तो इमाम साहब को लिया जा रहा है, मौजदा साहब को लिया जा रहा है और कई लोग हमसे पूछते हैं, मैं तो मुफ्ती आलिम नहीं हूँ तो आज आप आलिम साहब मुफ्ती साहब सोचा आप तो सवाल दोहरा दूँ, क्या ऐसा ये जायज़ है कि शरीयत एतबार से जिसमें कोई इमाम साहब है, मौजदा साहब है, वो माशी तौर से मतलब पसमानदा है, गरीब है और कुछ अफराद जैसे कि 1 लाख रुपये खर्च आ रहा हो तो 10,000 10 अफराद दे रहे हैं हदिये के तौर पर, मदद तौर पर इमाम साहब मौजदा साहब भी लीजिए और टूर वालों को दे रहे हैं, उनका उम्रा कबूल हो जाएगा शरय एतबार से? इसके बारे में सवाल कीजिए, काफ़ी लोग पूछा है आपने। सवाल में जो लोग इस्तेमाल किया जायज़ है क्या? हाँ। जवाब जायज़ है, जवाब पूरा हो गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि अभी ये जायज़ नाजायज़ की बात देखिए है ही नहीं होगा, खुलकर बोलना ही है तो ये है। सुनो ना आप साहब, सुनिए, अरे रुको ना आप, खुल गए उसको हमारे ज़माने में बोलते जवाज़ और अदम जवाज़, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ नहीं, मेरी आवाज़ बैठी, सबसे पहले जो भी चीज़ जायज़ नाजायज़ को लेकर अगर पूछी जाए ना तो वो उसका ताल्लुक होता है दारुल इफ्ता से, जी ठीक है जी, यानी वहाँ से रुजू करना चाहिए, एक फतवा पूछना चाहिए और फिर जो उसका जवाब हमको लेकर के उस बात को चलाना चाहिए। लेकिन इसमें अदम जवाज़ का कोई पहलू नज़र नहीं आता, अगर आदम जवाब समझ रहे आप जी, यानी जायज़ ना होने का कोई पहलू इसमें नज़र नहीं आता, इसलिए ज़ाहिर और फिलहाल इसमें कोई कबाहत भी मालूम नहीं होता। इसलिए अगर कोई टूर वाले या कुछ लोग हदिया तर या बहरहाल इस तरह के कई आइम्मा हज़रात हैं, अगर उनको भेजते भी लेकर भी जाते हैं तो उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई हरज भी नहीं है और ना होनी चाहिए, फिर भी चूँकि काहे से मुतालिक है या दारुल इफ्ता से मुतालिक, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो इससे बाकायदा किसी मुफ्ती से रुजू करके दारुल इफ्ता में वहाँ से फतवा ले लेना चाहिए और फिर उसको खूब चलाना चाहिए। जब जायज़ है तो बिंदास चलाना चाहिए, खूब चलाना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर उसमें कुछ शराइत के साथ कोई चीज़ आती है तो उसको भी चलाना चाहिए कि भाई ये शर्तें हो, इस तरह हो, ये हो जी। एक सवाल ये है कि उम्रा और हज में क्या फ़र्क है? ये सवाल तो मुझे भी मालूम है, आपको पता है, लेकिन जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, जैसा मिसाल तौर पर कहूँगा कि हम जब दरमियान में घूमते लोगों के तो कहते हैं अंतर साहब मेरा तो उम्रा हो गया, मैं क्यों हज को जाऊँ, मेरा दीदार होगा मक्का मदीना का, एक सवाल उनके जहन में चलता है, बड़ा हैरानगी है। तो उम्रा में हज में फ़र्क क्या है? उम्रा करे बाद दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि एक फ़र्ज़ है और एक सुन्नत और नफल कह लीजिए, ठीक है, एक फ़र्ज़ है, ये बुनियादी फ़र्क है दोनों जी। और जिस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है उसको हज ही करना चाहिए, उसको उम्रा नहीं करना चाहिए, समझे? तो उम्रा जो है ये सुन्नत है, सुन्नत है इस एतबार से नफल है, ठीक है, आप बार बार भी जा सकते तो वो एक सुन्नत के तौर पर नफल रहेगा। लेकिन हज जो है वो फ़र्ज़ है, अगर उस पर फ़र्ज़ हो जाता है तो ऐसे बंदे को फ़र्ज़ ही अदा करना चाहिए, ये फ़र्क है। बाकी दीगर जो अरकान का फ़र्क है और दीगर सब चीज़ें तफसीलात हैं, उसकी जरूरत नहीं। एक आखिरी मतलब मैं आखिरी सवाल है कि आजकल माशरे में एक मुहिम चलाई जा रही है कि मौज़न साहब, इमाम साहब जो कि माशरे से तंगी का शिकार होते हैं, एक माहौल तैयार किया जा रहा है टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, कुछ और ज़राए से उनको उम्रा पे लिया जाए या हज को भेजा जाए, तो आप उसको कैसी निगाह से देखते हैं? शरय एतबार से एक माहौल चल पड़ा है ऐसा कि भाई ले जाया जाए, कुछ मदद हो जाए या उनका ख्वाब पूरा हो जाए, एक माहौल चल पड़ा तो है ना। माशी एतबार से अगर कोई कमज़ोर है, पहली बात तो इमाम हजरात के सिलसिले में ये फ़िक्र तो टूर वाले कर रहे हैं, हम कहते हैं कि मस्जिदों के सदर और कमेटी ने ये फ़िक्र करना, बल्कि फ़िक्र क्या करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती कि इमाम साहब को इतना मजबूत आप कर दीजिए माशी तौर पर कि वो खुद भी जाना और उसके बाद उनकी फैमिली को उन्होंने शान से लेके जाना, हम तो ये बोलते हैं, फिर भी टूर वाले कर रहे हैं बेचारे, तो उनकी बेसाब पर जो खिदमत हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है, इस खुशी के मौके पर नारेगाव की बहुत भारी बस्ती है, यहाँ को राहत भरा पैगाम हो सकता है आपकी नजर? बिल्कुल बिल्कुल, नारेगाव के लिए बल्कि कोई औरंगाबाद के लिए है कि जो रमज़ान के फौरी बाद शवाल में उम्र करेंगे इंशाल्लाह उसको 75,000 में 5 उम्र कराएगा इंशाल्लाह, 75,000 में जाना आना। औरंगाबाद तो औरंगाबाद पूरी सर्विस रहेगी और 5 उम्रे साथ में रहेंगी, टूर ऑपरेटर की मौजूदगी रहेगी। रमज़ान मुबारक के मौके में इमाम साहब मौज़न साहब के लिए कोई राहत भरा पैकेज है ताकि रमज़ान में दुआएं कबूल हो जाए आपकी भी उनकी भी? रमज़ान में इमाम और मौज़न ये बिजी होते हैं चूँकि, अच्छा इसलिए वक्त तो नहीं प्लान, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मौज़न के लिए ज़रूर प्लान है। जिन मौज़न की अजान अच्छी रहेंगी अपने मौज़न को सेलेक्ट करके कुरान अंदाजी के ज़रिए से एक मौज़न को इंशाल्लाह आयशा टूर की तरफ से पूरा रहेगा पूरा काम। तो आने वाले टूर में जब जो लोग जाने वाले हैं तो उन्होंने अपना पासपोर्ट कब जमा कराना, आपसे कब बातचीत करना, कोई ऐसा? देखिए जो शवाल का ग्रुप है जो 75,000 में हम 5 उम्रे कराने वाले हैं, उन्होंने पासपोर्ट जो तो रमज़ान से पहले जमा कराया क्योंकि हमारे पास बुकिंग फुल होती है, इसलिए एडवांस अगर 10,000 भी दिए तो भी बुकिंग हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। और जो लोग पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका कुछ रहेगा? उनके लिए हमारे अब्दुल हादी भाई है जो हमारे ब्रांच है सिविल में, वो पासपोर्ट भी बनाते हैं, आप हादी भाई से रब्ता कर सकते हैं। एक महीने में कितने हाजिया जा रहे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना 100 का तो कम से कम मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हैं, हो भी रहेगा। अब मदारिस के उलमा-ए-किराम के लिए कुछ सोचा है आपने? मदारिस के लिए अभी तो नहीं सोचा, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कुछ प्लान करते हैं उनके लिए। अब आप कहेंगे यार कि हम तो मदारिस उलमा की बात कर रहे हैं क्योंकि एक मुतालबा आता है कि आपके ज़रिए से पूछा जाए, हो सकता है कि फिर वो आपकी दुआ में लग जाए, आपका बेड़ा भी पार हो जाए, उनका भी काम आसान हो जाए, इसलिए पूछते हैं। अल्लाह बार बार अपने घर बुला रहा है, यही बेड़ा पार होगा यहाँ पे हमारा, अब इसमें और इजाफा करना चाह रहे हैं हम बस। अगर भाई ब्रांच कितनी है आयशा टूर्स की? अभी तकरीबन ये 11वीं ब्रांच हो रही है, 10 ब्रांच अब तक थी हमारी, अब ये जो नारेगाव की 11वीं ब्रांच है। और आगे का आपका इरादा है जिस तरह से? अभी देखो हम तो ब्रांच देने के लिए मार्केट में नहीं निकलते हैं, जो लोग हमसे उम्रा करके आते हैं और वो फ्री रहते हैं तो उनको पता चलता है कि काम इसी को बोलते हैं, इबादत इसी को बोलते हैं, वो खुद हमसे रब्ता करते हैं कि भाई फला गाँव से हमें ब्रांच चाहिए। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि नांदेड़ वाले जो ब्रांच है नूर भाई, उन्होंने पहले उम्रा किए, उम्रा करके बोले मुझे आपकी ब्रांच लेना है। उसी तरह लोनार के है फैसल भाई, उन्होंने पहले उम्रे के लिए आए और फौरी कॉल किए कि मुझे आपका ब्रांच लेना है। अलहमदिल्ला हमारी ब्रांच ऐसी ही जाती है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती किसी को ब्रांच लेने की। जो उम्रा करता है आयशा टूर से वो ब्रांच लेने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। अजहर में फिर तो एक बहुत फ़ायदे की बात होगी कि उम्रा भी होगा, आपके ग्राहक भी बन गए और आपके ब्रांच के मालिक भी बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो ऐसे ही होना चाहिए कि लोग लाइक करें लाइफ टाइम। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ मंगल को आयशा उमराह टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ अजहर भाई की रहनुमाई में और दीगर उलमाए किराम की रहनुमाई में। मैं सभी आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त अहबाब उलमाए कराम सब साथियों ने मिलकर इसमें मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जैसा आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ताउन करते रहते हैं, इसी तरह से हमारा भी यहाँ पर ताउन करते रहे। अजहर भाई की रहनुमाई में होगा इंशाल्लाह सब काम, और जो जो हम वादे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम पूरे खड़े उतरते हैं। और अभी ये अभी परसों के दिन में हमारे नाजिम में अभी जाके आए अल्हम्दुलिल्लाह, नाजिम में भी मेरे पास में खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक साथ ही पूछ रहे थे कि मैं नाजिम में से मुलाकात करके पूछूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम ने पूरा इत्मीनान बख्श जवाब दिया कि आप आयशा टूर के साथ जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के हज फ़र्ज़ है जी और उम्रा सुन्नत है जी, इसमें हज जो है तो ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है जी, और उसके भी पूरे शराइत है कि किन शर्तों के साथ हज फ़र्ज़ है, यानी उसके पास पूरे खर्च होना, आने जाने का, आने और वहाँ से आने तक उसकी बीवी बाल बच्चों का खर्च होना, फिर उस पर हज फ़र्ज़ है। हमारे माशरे में सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि एक मरतबा कोई मालदार हज करता है तो उसका हज तो हो गया जी, फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन फैशन बना दिए लोगों ने कि बार बार जो है तो हज को जा रहे हैं, बार बार उम्रे को जा रहे हैं, जबकि दूसरी ज़रूरियात हमारे माशरे की ज़्यादा मुकदम है। बहुत सारी बेवाएँ हैं, बहुत सारे जो है तो दीनी तकाजे दूसरे यहाँ पर ज़रूरी है, उसको छोड़कर जो है तो बार बार हज को जाना, बार बार उम्रे को जाना।